नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कुमार विश्वास की आरएसएस पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा था। कुमार विश्वास ने बजट पर बात करते करते ये बात कही थी। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद कुमार विश्वास ने माफी मांगी। कुमार विश्वास का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर कुमार विश्वास के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। तो कुमार विश्वास पर विवादित बयान उज्जैन में सामने आया है। कुमार विश्वास ने यह बयान दिया है। लेफ्ट आरएसएस के लोगों को अनपढ़ कहा है कुमार विश्वास ने। वहीं विवाद बढ़ने पर कुमार विश्वास ने माफी भी मांगी है। कुमार विश्वास के बयान का बीजेपी ने विरोध किया है और कहा है कि रामकथा करें, प्रमाण पत्र ना बांटें कुमार विश्वास। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पोस्टर पर कालिक पोती गई। बीजेपी ने बयान का विरोध किया। लेफ्ट पर वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है। उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। दो ढाई घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के एक कार्यक्रम में कई मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अल्पसंख्यक कल्याण नीति की तारीफ की है। अलग अलग मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधियों ने तीन तलाक समेत मुस्लिम समुदाय के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। चंडीगढ़ में ऑल इंडिया मॉनेटरी कॉन्क्लेव में मोदी सरकार के कई फैसलों को देश के मुस्लिमों के भविष्य के लिए सही ठहराया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रशंसा की गई। उन्हें सेकुलर पीएम और ग्लोबल लीडर के बतौर एक बड़ा राजनीतिक शख्स कहा गया। ये जो ट्रिपल तलाक की जो रस्म है, इस्लाम भी इसको नहीं मानता है। एक ही सेशन में जो तलाक 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 करके तीन तलाक दे देते हैं, तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो ये जो स्टेप हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट में लिया गया है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, खासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बहुत अच्छे विचार हैं। वो भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, क्योंकि उन्होंने जो देश मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जो बात किया, उन्होंने पसमानदा मुद्दे को उन्होंने जो कहा, जो हमारी सफरिंग थी, उन्होंने हमको मुसलमान समझ के नहीं, देश के नागरिक समझ के हमारे अपलिफ्टमेंट की बात की, हमारे दुख दर्द की बात की है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज ए लीडर जो है आज वर्ल्ड ने उनका जो है लोहा माना है, तो अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी एक वर्ल्ड ग्लोबल लीडर हैं इस टाइम पे। और ये हमारा भाग्य है कि जो है हम लोगों को जो है इतना बड़ा लीडर जो है मिला।